कॉलर हैं चंदौली से, स्वागत है आपका। हाँ, क्या नाम है चंदा सिंह। जी आपका प्रश्न? देखिए मैम, सुलेमान भाई साहब से प्रणाम कहिएगा। आदाब, जय हिंद। अच्छा, हमारे शरीर में सूजन पूरा रहेला और दर्द ठेवना में दोनों दर्द रहेला, आई 7 साल से है। हाँ, ठेवना में दोनों दर्द, सूजन, बैठ ना पाइला। आई डॉक्टर के देखोनी तो अर्थराइट बतौल, अर्थराइट ठीक है। आ वो दवा चलेला, एरोबेला, एरोबेला चलेला। वो देखने की भी आप हम कहीं कहीं हम देखी उनका भाई नुस्खा का है। ठीक है, देसी नुस्खा जानना है। अच्छा देखिए, 3-4 महीने इलाज करना आप अपना, कोई भी इलाज करते रहे, लेकिन ये जब शुरू करें तो छोड़ना नहीं। अलसी को भून लीजिए, अलसी तो सभी महिलाएं जानती हैं, सस्ती भी आती है, 300-400 ग्राम अलसी खरीद लीजिए और इसको हल्का सा भूने, ज़्यादा नहीं, हल्का सा भून कर निकाल लें बर्तन से। बर्तन में छोड़ेंगे तो वो जल जाएगी, क्योंकि बर्तन गर्म हो जाता है, अगर बर्तन गर्म ही रहता है तो फौरन निकाल लेना। कंकर पत्थर भी होते हैं, वो भी साफ़ कर लें, इसको पाउडर बना के रख लें। 1 चम्मच अलसी खरीदें, वो खाएं नाश्ते के बाद, 1 चम्मच में अलसी इसका पाउडर बना लें लें। और एक आता है गौंद सियाह, इसे काला गौंद कहते हैं, लेकिन ये अलसी की तरह असली नहीं मिलता, ये नकली भी बहुत मिलता है। आधा ग्राम अगर मिल जाए तो आधा ग्राम गौंद सियाह और एक चम्मच अलसी में मिलाकर रोज़ाना 2 बार खाएं नाश्ते के बाद। और ये अगर गौंद सिया असली मिल गया, बहुत नकली मिलता है, फिर आपसे बोलता हूँ, सब लोग बेईमानी करने लगते हैं। तो ये 15-16 रुपए रोज़ का इलाज है, 1 ग्राम आप लाइए और 15 या 16 रुपए का मिलता है बस। आधा ग्राम सुबह खाइए, आधा ग्राम शाम अलसी के पाउडर के साथ खाने के बाद। अगर असली मिल गया तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है।